खैर चलिए इसको समझते हैं। देखो ये जो आपको सारा सीनरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको एक एक करके समझें, कि सिंधु नदी जो है आपका इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकल। और अगर आप बात करेंगे जिस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता की, तब ये सारी नदियाँ ना बहुत ज़रूरी हो जाएंगी आपके लिए। जब हिस्ट्री पे भी जाओगे ना तब भी ये सारी नदियाँ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, है ना। क्योंकि सिंधु की बात करें तो पश्चिम में सिंधु, मध्य में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियों का आपका एक आप नोटिस कर रहे होंगे कि वन बाय वन है ना। सो हम गंगा नदी तंत्र को थोड़ा थोड़ा समझे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को थोड़ा थोड़ा समझे हैं, सिंधु नदी तंत्र को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बाद में इनमें बहुत बारीक बारीक पॉइंटर्स हैं, वो जब हम इनके जाल को समझ लेंगे ना तब उसमें ऐड ऑन करना शुरू करेंगे, है ना। पहले बेसिक खड़ा कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं उसको। देखो जो इंडस रिवर है आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है ये, ठीक है। अगर आप सेक्टर कवर करने की बात करते हैं ना, तो एरिया कवर करने की बात कर रहा हूँ, ये एरिया बहुत ज्यादा कवर करती है, ठीक है। रिवर बेसिन का इलाका जो कहते हैं ना, कि बहुत सारी आपकी सहायक नदियां हैं और मिलकर आपका इतना इलाका कवर करती हैं, जैसे गंगा की बात करें तो उसकी बेसिन बहुत बड़ी है अपने आप में, है ना। और अगर आप जनसंख्या के हिसाब से बात करो तो गंगा से ज्यादा जनसंख्या को एक टाइम पर पानी मुहैया कराने वाली दुनिया में कोई रिवर नहीं है, कोई रिवर नहीं है। क्योंकि रास्ते में यूपी आ जाता है और यूपी का आपको पता है हाल, 25 करोड़ अकेला ही है वो, समझ रहे हो। आपका 75% ऑफ द यूएस कवर हो जाएगा उतने में, एक बिहार और जोड़ दिया तो पूरा पूरा यूएस ही हो गया, है ना। तो लोगों पे इम्पैक्ट डालने के मामले में गंगा से बड़ी रिवर नहीं है, ठीक है। इसलिए नमामि गंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हम उन सब के बारे में भी बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में जो जुड़े हुए इनसे। अभी बात करते हैं रिवर के बारे में, बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो बहुत ही फंडामेंटल हैं जो उसको तैयार करते हैं। जैसे कि जो रिवर है वो आपका यहाँ मानसरोवर से शुरू हो रही है, ये यहाँ से चली 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 और एंड में जाकर आपका अरेबियन सी में। इसकी जो लंबाई है टोटल रिवर की वो कितनी है, वो है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बारीक हो रहा है। सो रिवर की कुल आपका जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, ये रिवर की कुल लंबाई हो गई। भारत में जो इसकी लंबाई है वो लगभग इतनी है, ठीक है, इतने किलोमीटर। अब देखो सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं, है ना। देखो वहां पर मानसरोवर झील दिखाई दे रही है, कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है ना। एरिया कौन सा हो गया, ये तिब्बत का इलाका हो गया। जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत के इलाके में पड़ता है, ठीक है। और एक हिमनद है, ठीक है, जिसका नाम है बोकरचू, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूँ, आप नाम नोट डाउन कर लेना, हो सकता है इस बार के पीसेस में आ जाए, है ना। क्योंकि सारे पीसेस क्या हो गए, पीछे हो गए इस बार, डिले हो चुके हैं। तो जो जगह है उसका नाम है बोखर चू, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसको, बोखर चू, ठीक है। ये बोखर चू एक श्रेणी है, ठीक है, आपका वहीं पर उसके निकट एक हिमनद से होते हुए निकल रही है बेसिकली। तो मेजर पॉइंट को बताया जाता है हमेशा, क्या बताया जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास से। हम मोस्टली जगह यही बोला था, कैलाश मानसरोवर के पास से झील से वहां से होके आ रही है, ठीक है। और स्पेसिफिक कर दें तो बोकरचू, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका नाम क्या है, वहां पर ना नाम देखते हैं इसका ना, बोकरचू के बाद ये काफी हाइटेंड जगह से आ रहा होता है, आपको पता है पूरा तिब्बती पूरा हाइटेंड है ना, उठा हुआ है, तो वहां से ऊंची जगह से आ रहा है। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको, तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी खम्बान, और इसे ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, सिंगी खम्बान, है ना, जिसका नाम है शेरमुख। आप हिंदी में भी लिख लेना शेरमुख, सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख।
ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बेसिक पॉइंटों को यहाँ पर एड ऑन करते हैं अपना, है ना। स्ट्रक्चर आप लोग चाहे तो इसको यूज कर लीजिए, चाहे अपने पेंसिल से आराम से बनाइएगा, है ना। अब देखो इसको भारत में एंट्री करवाते हैं, है ना। तो भारत में जब ये एंट्री कर रही है तो भारत में इधर की साइड कौन सा एरिया पड़ता है? लद्दाख का एरिया पड़ता है ना। लद्दाख के एरिया में ये एंटर कर रही है यहाँ से, और लद्दाख में भी जो जास्कर श्रेणी है, कौन सी जो जास्कर श्रेणी है, उनके बीच में आपका उत्तर पश्चिम दिशा से बहते हुए लद्दाख में एंटर कर जाती है, ठीक है। लद्दाख में जास्कर श्रेणी में ये एंटर कर गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इलाका है गिलगित, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास इलाका है गिलगित, गिलगित से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आपका चिल्लड़ एक जगह है, उसके पास से आपका दर्दिस्तान में प्रवेश कर जाती है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक, आपको बताने के लिए कि यहाँ से एंटर जब इस पॉइंट पे करी और यहाँ से एग्जिट जब इस पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट की बात हो रही है भारत में, है ना। एंट्री कहाँ पर हो रही है? लद्दाख का इलाका है। श्रेणियाँ कौन सी इनके बीच में से होकर गुजरेगी? जास्कर श्रेणियाँ हैं। एग्जिट जब कर रही है तो आपका गिलगित से होते हुए पाकिस्तान का जो दर्दिस्तान प्रदेश है वहां पर ये एंटर कर जाएगी। अब इसके साथ आपका बहुत सारी नदी तंत्र में सहायक नदियां हैं, सिंधु के साथ सतलज है, व्यास है, रावी है, चनाब है, झेलम है ना। पांच और नदियां भी हैं, तो उनका भी अपना सिनेरियो बनता है। वो दोआब बना रही है लगातार कंटिन्यूसली, और बहुत सारे बड़े इलाकों को ये सींचती चल रही है नदियां, है ना। और भी आपका इलाज, और भी नदियां हैं साथ में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे, और भी श्रेणियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब ये जितनी की जितनी मैंने आपको रिवर बताई, आप यहाँ नीचे देख भी रहोगे, एक एक करके मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, है ना, जिससे कि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यार, अब यहाँ पर अगर आप रिवरिंग सिस्टम को ध्यान से देखोगे ना, तो इसके जस्ट नीचे आपको पांच रिवर और दिखाई देंगी, है ना। इसके जस्ट नीचे पांच रिवर और दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पर ये आपको कहार, किशनगंगा और बैरीनाग झील दिख रही है, यहाँ से झेलम चल रही है। झेलम के जस्ट नीचे जास्कर से होते हुए बारालाचला दर्रा, और इसके पास से आपका चिनाब दिख रही है। उसके बाद रोहतांग पास से आपको रावी दिख रही है। उसके बाद आपको कौन सी दिख रही है? राकसताल झील से, यानी कि तिब्बत से आती हुई सतलज दिख रही है। तो बेसिकली उसके जस्ट नीचे आपको रिवरिंग सिस्टम दिख रहा है कई सारी रिवियों को, उसके बाद वो आगे जाके मिल जा रहा है। इन रिवर की आपस में बातचीत हुई थी जब आपका देशों में बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई थी पानी को लेकर आपस में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच उस परेशानी को खत्म करने के लिए, कि पानी से रिलेटेड इस सिनेरियो को थोड़ा सा ठीक किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए समझौता किया गया। तो समझौते को समझते, समझौते का नाम था सिंधु जल संधि। अब सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में, ठीक है। तो इस जल संधि में क्या बातचीत हुई? इस जल संधि में ये बात हुई कि तीन पूर्वी नदियां, व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को होगा, और तीन पश्चिमी नदियां, सिंधु, चनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या सिनेरियो है? देखो यार, वो नदियां तो हमारे यहाँ पे भी बह रही हैं, वो नदियां तो हमारे यहाँ पर भी बह रही हैं, तो उनके साथ हमारा भी तो कुछ ना कुछ लेना देना रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? भारत जो है वो 20% पानी उपयोग में ला सकता है। तो इस पानी का उपयोग पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और दक्षिण पश्चिम भागों में भारत के सिंचाई के लिए होता है, और वहां पर बहुत सारे दुआब बनाए जाते हैं इन रिवर्स के द्वारा, है ना। देखो नीचे दुआब दिख भी रहे होंगे, कुछ लिखे। सो अब इसको एक बार लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1960 वाली बात हो गई। तीन पूर्वी नदियां कौन कौन सी हैं आपके पास? ब्यास, रावी और सतलज। आप आरबीएस से याद रखना, रावी, ब्यास, सतलज। आरबीएस किसका है? आरबीएस भारत का है, ठीक है। आरबीएस इंडिया के पास आता है। उसके अलावा आपका तीन जो रिवरिंग सिस्टम है वो पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान का सिनेरियो कैसा है? सिंधु उनकी हो गई, ठीक है, झेलम और चेनाब, ये तीनों रिवर्स किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ये भारत के लिए, ठीक है, नियंत्रण जिसे कहते हैं।
अच्छा डायग्राम में व्यास चाहिए तुम्हें, व्यास भी ले आते हैं, दिक्कत ना मानो, व्यास को पैदा करेंगे, मैं बना देता हूँ इसमें डायग्राम में, बीच में घुस लेता हूँ, चिंता ना करो तुम, एक बड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम। अच्छा, ओके ओके आई गॉट इट, कि इसमें तुमको व्यास नहीं नज़र आ रही है, कोई टेंशन नहीं, हम बनाते हैं व्यास अभी इसमें। इन्होंने डायग्राम तो ठीक बनाया हुआ है, सिंधु भी ठीक है, झेलम भी ठीक है, चेनाब भी ठीक है, और रावी भी ठीक है, व्यास नहीं बनाई है इन्होंने। ओके सतलज, रुक जाओ हम बनाते हैं इसमें, ध्यान से देखना आप, ठीक है। सो सुबोध जी का सवाल है कि इसमें व्यास कहाँ पर है, ठीक है, ये सतलज का सिनेरियो तो दिखाई दे रहा होगा, है ना सुबोध, ये नीचे वाली है ना, ये वाली, ये सतलज ही है, इसके जस्ट ऊपर जो ये वाली चल रही है ना, ये वाली, ये है व्यास, ठीक है। ये जो रिवर है ना, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ इस वाली पॉइंट को ना, कहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जो ये वाली रिवर है, ये वाली, ये है व्यास, ये इंडिया के एरिया में दिखाई देगी तुम्हें, ठीक है। हाँ वो सतलुज में मिल जाती है, और वहीं पर आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, इंदिरा गांधी पॉइंट दिखाई देगा, जहां से वो आपका राजस्थान की तरफ पानी लेके आ रहे हैं उनके कॉन्फ्लुएंस के बाद, जहाँ दोनों रिवर मिलती है ना, ये वहां से एक नहर निकाली गई है, एक कनाल बनाई गई है, भारत की सबसे लंबी कनाल है वो, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे है, जहाँ दोनों मिलती हैं, उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कनाल, ब्यास और सतलज के मैकपिम पे, ठीक है। चलो अच्छा सवाल था वैसे, तुम लोग क्यों नहीं पूछे भाई, सो रहे थे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना बड़े तो सवाल पूछा, तुम लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करके, कैसे बेकार लोग होते। अच्छा चलो देख लेते हैं अगली बार। तो समझने वाली बात ये है, जितना ये पानी होता है उसका 20% याद रखेगा भारत इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास अनुमति है 20% के लिए, ठीक है। और पानी का उपयोग कहाँ पर होगा आपका, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लिए, ठीक है। अब कुछ और रिवर्स की बात करते हैं, ये तो रिवर्स कहाँ पर मिल रही हैं आपका, ये तो लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही हैं, और भी रिवर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऊपर लिखी हुई दिख रही होंगी वैसे तो आपको, तो उन रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी रिवर्स है ना, क्योंकि दाहिने साइड से तो हमने बात ही नहीं करी, राइट हैंड साइड से तो हमने बात ही नहीं करी कौन कौन सी रिवर है, तो राइट हैंड साइड से यहाँ पर रिवर मेरे ख्याल से दिखनी चाहिए। राइट हैंड साइड से खुर्रम रिवर आती है, तोची आती है, गोमल आती है, झोब आती है, कहीं झाबी भी लिखा होता है, और कंदर आती है, तो ये रिवर यहाँ पर दिख रही है वैसे, हाँ ये है यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड से मिलने वाली रिवर है। आप लिखिएगा सहायक रिवर इंडस की, खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर। कैसे पूछा जाएगा सवाल आपसे, पूछा जाएगा तोची किस नदी की, किस नदी धारा की प्रमुख नदी है, और उसके बाद चार ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र दे देंगे, गोदावरी दे देंगे, सिंधु दे देंगे, गंगा दे देंगे, फिर आपको आंसर करना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देना, ये सारी की सारी पांच नदियां ना अभी तक भी सिंधु से मिली नहीं है, ये पांच की पांच नदियां यहाँ पर देखो आपस में मिल गई हैं, ये देखो जहाँ पंचनद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पंचनद, ठीक है। एक जगह है मिठानकोट नाम से, क्या नाम है, मिठानकोट, कई जगह मिठनकोट लिखा रहता है, मिठानकोट है वो मेरे हिसाब से, तो मिठानकोट के पास में पंचनद जलप्रपात होता है, ठीक है। तो पंचनद जो नाम है वो पंजाब के कारण, वो आप समझते भी हो, पांच रिवर्स हैं पंचनद हो गया है, तो पंचनद जगह हो गई मिठानकोट के पास, ठीक है, मिठानकोट मेजर जगह है, उसके बाद पंचनद है, पंचनद आपको पता है पांच नदियों की वजह से है, पांच नदियां कौन कौन सी हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, अभी तक सिंधु से मिली नहीं है, ठीक है, उससे पहले का सिनेरियो बता रहा हूँ। तो जगह क्या बतानी है आपने, मिठानकोट, जहाँ पे पांच नदियां मिल रही हैं, पंचनद वहां पर हो गया, ठीक है। इतना हो गया,
नेक्स्ट, अब ये पंचनद का सिनेरियो बन गया। अब उसके बाद जो रिवर है आगे बढ़ी, रिवर आगे बढ़ी, सारी की सारी आपका मिली किसमें, आपका सिंधु नदी में मिल गई जाके। सिंधु नदी में बनने के बाद ये आगे चली, ठीक है, कराची के पास से होते हुए फिर ये अरेबियन सी में जाकर गिर गई, अरब सागर में, है ना। और सिंधु नदी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो लेह इलाका है बेसिकली, वहीं पर आपका मेजरली आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसके बाद तो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है ना। देखो सिंधु का भी उद्गम स्थल वहीं पर था, उसी के आसपास था जहां पर ब्रह्मपुत्र का था, याद है ना, तिब्बत का पठार, वही सब इलाका है ना। सो इनका याद रखना है आप लोगों ने। और मैंने कल भी बताया था वहां से और भी नदियां निकलती हैं, हुआंग हो, जियांग, मेकोंग, सतलज, इरावदी, बहुत सारी रिवर्स हैं जो वहीं से निकल रही होती हैं। एक नेक्स्ट नाम लिखना, यहाँ पर वैसे दे रखा होगा, श्योक दे रखा है यहाँ पे, हाँ दे रखा है श्योक। देखो यहाँ श्योक नदी लिखी हुई है, ये देखो ये लिखी हुई है श्योक। श्योक नदी के बारे में एक्चुअली लिखना, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। श्योक नदी को क्या बोलते हैं, जो आपका मिडिल एशिया है वहां पर काराकोरम और यारकंडी आपकी जगहें हैं मध्य एशिया में, उनके बीच में रिवर बहती है। और पुराने समय में अगर हम प्राचीन काल में बात करें या एंशियंट टाइम में बात करें, तो ये जो रिवर है इसके आसपास व्यापार हुआ करता था। श्योक नदी के नियर बाय का जो इलाका है वहां पर पुराने टाइम में आपका ट्रेड चला करती थी, ठीक है। ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ये, हाँ ठीक है। ओके, जास्कर देखने, जास्कर भी ऑलमोस्ट, हाँ जास्कर रह गए ना। ओके ये देखो जास्कर रिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो जास्कर नदी का कहाँ पर हो रहा है, जास्कर नदी इनिशिएट होती है आपका हिमाचल प्रदेश में, जम्मू की तरफ जाती है, ठीक है। वहाँ पर आपका जाने के बाद धीरे धीरे आपका नेमू के निकट ये जो सिंधु नदी है उसमें जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो जास्कर अगर आपसे पूछ लें किसकी सहायक है, तो याद रखना सिंधु की ही सहायक है। अब इन रिवर्स को थोड़ा साइड करते हैं, अब आते हैं मेजर मेजर रिवर पर, ठीक है। इन सभी रिवर्स को एक एक करके पकड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सभी सिंगल सिंगल रिवर को देखते हैं। यहाँ पर जास्कर भी कंप्लीट कर ली, राइट हैंड साइड रिवर भी कंप्लीट करी, जास्कर भी कंप्लीट कर ली, श्योक भी कंप्लीट कर ली। अब सिंगल सिंगल रिवर को देखते हैं ना, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे की साइड से, सतलज की बात कर लेता हूँ पहले मैं, या आपका हो तो किसी और की बात कर लूँ, मुझे तो आपत्ति कोई सी भी नहीं है ना। सोहन, सोहन ठीक है, ओके। तो सतलज की बात करते हैं, यहाँ बात करने के लिए बहुत सारा है। सबसे आपका डाउन साइड रिवर है ये, ठीक है। मानसरोवर के पास आपको इसके पॉइंटर लिखने पड़ेंगे। देखो लगभग 4.5 किलोमीटर की हाइट पर एक है राक्कस ताल लेक, ठीक है, राक्कस ताल याद रख लेना बस आप, ठीक है। मानसरोवर के पास जगह है राक्कस ताल, ठीक है, राक्कस ऐसे लिखते हैं, आर AKAS, राक्कस ताल, ठीक है। राक्कस ताल की बात हो रही है, और वहां पर इसको बोला जाता है लांगचेन कामबाम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर इसको बोला जाता है लांगचेन कामबाम, ये वहां पर बोला जाता है, ठीक है। लांगचेन कामबाम के नाम से वहां जानते हैं, ठीक है। अभी आगे चल रहा है आपका, भारत में घुसने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आपका शिपकिला दर्रा है उससे ये एंटर करती है, और उसके बाद फिर पंजाब के मैदान के प्रदेश में एंटर करती है, फिर लगभग आपका 400 किलोमीटर के बाद आपका सिंधु नदी में वहां पर जाकर मिल जाती है ना। आपका बाद में और नदियां इसमें आकर मिलती हैं, तो आगे चलती रहती है, ठीक है। और कोई सी रिवर मिल रही है सतलज में, ब्यास मिल रही है एक तो, और इसके अलावा स्पीति
स्पीति होगी ना, स्पीति भी होनी चाहिए। एक चीज़ और ऐड कीजिएगा इसमें, है ना। इसके बाद जो पॉइंटर बता रहा हूँ, पॉइंटर ले लीजिएगा। भारत में एंटर करते वक्त कौन से दर्रे से आ रही है? हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से एंटर कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से एंटर कर रही है। पंजाब के मैदान पर पहुंची, ठीक है। रोपड़ से होते हुए इसमें एक स्पीति नदी मिलती है। कौन सी? स्पीति। स्पीति का नाम सुना होगा, लाहौल स्पीति बोलते हैं। स्पीति नदी मिलती है इसमें, तो पूछ लें स्पीति नदी किसमें मिलती है? इसमें मिलती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी में कौन सी नदी मिल गई? स्पीति नदी मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट। कल आपको याद होगा एक परियोजना के बारे में बात करती, इसका नाम था भाखड़ा नांगल। अपने टाइम पर सबसे बड़ी थी ये परियोजना, इससे बड़ी परियोजना नहीं थी कोई, ठीक है। तो सतलज सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। ये जो नदी तंत्र है, इस पर कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, समझ रहे हो? भाखड़ा नांगल परियोजना। अब क्या होगा? आगे गई है, ऊपर से क्या आ रही है? व्यास आ रही है ना। और यहाँ पे आप नोटिस करना है, ये दो इलाकों को पार्ट रही है दोनों नदियाँ, इनके बीच का जो सिस्टम है, ठीक है, बस इतना ही करना। हाँ ये भी ठीक, सतलज पर एक इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था, अब तो चेंजेस आ गए हैं। पंजाब में एक शहर था लुधियाना, पंजाब का एक शहर था लुधियाना, ठीक है। तो लुधियाना एक टाइम पर आपका इसके मुहाने पर था, अब चेंज हो गया थोड़ा सा, पुराना किनारा था वो इसका, अब वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया 13 किलोमीटर के आसपास का, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी की सारी कहानी सतलज के बारे में। सतलज से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ब्यास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में ब्यास भी बोलते हैं, ठीक है, विपाश भी बोलते हैं और ब्यास भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है, अभी तो आपको एंशियंट नेम भी पढ़ने पड़ेंगे इनके, जिस टाइम पर आप हिस्ट्री में घुसोगे, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हो रही है? व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। कुंड का नाम क्या है? व्यास ही है। किसके पास है? रोहतांग दर्रे के पास है। तो रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से नदी निकलती है। जो आपने कुल्लू की घाटी देखी है, कुल्लू की घाटी में आपका व्यास नदी ही आपका चल रही है, ठीक है। और अगर आप कुल्लू की घाटी आपको याद होगी, तो वहां पर धौलाधार श्रेणी है पास में ही, ठीक है। तो धौलाधार श्रेणी के आसपास से होती हुई ये गुजरती रहती है। और उसके बाद आपका एक जगह है हरिके, ठीक है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद एक जगह है हरिके, और हरिके में आपका ये सतलज नदी मिल जा रही है। तो तीन बातें याद रखनी है, निकल कहाँ से रही है? रोहतांग दर्रे के पास से, व्यास कुंड से, धौलाधार श्रेणी के पास से होते हुए आपका सतलज नदी मिल जा रही है पंजाब में, आपका हरिके में, हरी के ऐसे लिखा जाता है, हरी के, ठीक है। वहां पर आपको मिलते हुए दिख भी रही नीचे डायग्राम में, है ना। नेक्स्ट, रिवर इन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये ब्यास के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, ऊपर चलते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी इससे ऊपर रावी नदी, ठीक है। इनका अच्छा, मैंने सतलज का एंशियंट नेम नहीं बताया ना तुम लोग को यार, सीधा सतलज ही बताया, सतलज के उसमें भी लिख लेना, सतुद्री, ठीक है। अभी लिख लो, फिर बाद में अलग से करना पड़ेगा वरना, है ना। चलिए, सतुद्री सतलज वाले में ऐड कर लेना। अब बात करते हैं रावी के बारे में। रावी नदी का जो नाम है दो, वो है, आप पुरुषणी याद रखना, रावी नदी का पुराना नाम याद रखना, पुरुषणी, ठीक है। पूछ लेंगे तो आप बता सकते हैं।
तो है ना। ठीक है, ये आपका एक्चुअली में स्टार्ट होती है रोहतांग दर्रे के बाद, आपका चंबा घाटी, वहां से होते हुए आपका ये निकल रही है रोहतांग दर्रे के पास, चंबा घाटी के पास से कुल्लू की पहाड़ियों से होते हुए ये हिमाचल प्रदेश से चल रही है रावी नदी। ठीक है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सयाग सिंधु के निकट ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी सारी बात, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस नदी के बारे में, रावी नदी के बारे में। रावी नदी कहाँ है, ये रही रावी नदी। ठीक है, तो ये रहा आपका रोहतांग दर्रा। तो जो पुरुषणी है आपका, वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से या चंबा घाटी से होकर वहां से आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद ये सिंधु नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तो यहाँ नोटिस करना, ऊपर से नीरव्यर आ रही है चेनाब, आ रही ना चेनाब, जो चेनाब में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है चेनाब में? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? देखते इतनी देर हो गई मुझे कहानी सुनाते सुनाते। हाँ, कहानी सुनने वालों, कौन कौन है अभी ऑनलाइन, नाम लेना जरा अपना। अच्छा, बस शुभोदय है। बाकी लोग का क्या है? बाकी लोग को लग रहा आवाज ही नहीं आ रही है, केवल सुबोध। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। ओके, ऑनलाइन क्लास की बहुत बड़ी दिक्कत है। आप खैर चलो, जिसका जैसा है वो अपना जाने। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, बाद में चीज़ों को मैं कंक्लूड कर दूंगा एक जगह पर, अभी इसके बारे में मैं डिटेलिंग ले देता हूँ आपको ना। देखो यार, बात चल रही थी किसके बारे में, शायद रावी के बारे में बात चल रही थी। तो रावी जो है आपका चंबा घाटी से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, और वहाँ पर चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, एक जगह है सराय सिंधु करके। ठीक है, और आपका पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में रिवर बह रही होती है बेसिकली। नेक्स्ट रिवर आपकी चेनाब है। चेनाब का सिनेरियो सिंपल सा ये है कि चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। चेनाब का पुराना नाम क्या है, ये देखो चेनाब यहाँ पर दिख रही है, चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। ठीक है, ये चेनाब का पुराना नाम है। अब इसमें क्या है आपका, चेनाब जो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेनाब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चेनाब लिख सकते हो आप आराम से, या अस्कनी आए तो अस्कनी लिख देना, है ना।
अब ये जो चेनाब आपका दिखाई दे रही है आपको, ये दो रिवर से मिलकर बनी हुई है वैसे, एक चंद्रा एक भागा, ठीक है, चंद्रा और एक भागा, चेनाब रिवर दो रिवर से मिलकर बनी है, चंद्रा एक भागा, ठीक है। अब चंद्रा और भागा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में केलांग जगह है, केलांग के पास एक जगह है तांडी, वहां पर दोनों आपस में मिल जाती हैं, फिर वहां पर नाम हो जाता है चंद्रभागा, ठीक है। तो चंद्रभागा के नाम से भी इसको जाना जाता है चेनाब को। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये अच्छा खासा एरिया इंडिया में कवर करती है चेनाब रिवर ना, बहुत अच्छा खासा, ठीक है। तो ये है चेनाब की कहानी पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेनाब के बाद झेलम के बारे में, बाकी आपने शायद कपूर को गाते हुए सुना ही होगा झेलम। बितास्ता नदी, ठीक है, झेलम रिवर बितास्ता नदी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, झेलम तो लिखा रहा था, इसका पुराना नाम लिख देते हैं बितास्ता, बितास्ता इसका एंशिएंट नेम है, ठीक है। ये कश्मीर घाटी में आपका दक्षिण पूर्वी इलाके में जो पीर पंजाल गिरिपथ है वहाँ से आपका वैरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है, ठीक है। मैं दोबारा सारी बात रिपीट कर रहा हूँ, आराम से लिखना। झेलम का पुराना नाम क्या है, एंशिएंट नेम बितास्ता, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में, पीर पंजाल गिरिपद में वैरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। ये पूरा इलाका एंशियंट टाइम में, ये पूरा इलाका हिंदूज का था, पूरा इलाका हिंदू का था। आज यहाँ 3,000 बचे हैं केवल, बस पॉइंटर रह गया है, 3,000 हिंदू छोड़े इन लोगों ने, सारे निमटा दिए। खैर वो एक अलग सिनेरियो है, झेलम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये झेलम रिवर जो है ये आपका कहाँ से होकर गुजर रही है, मेजर सिटी जो है जिसका नाम है आपका श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए ये आपका पाकिस्तान में आपका चेनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम किस में मिल रही है, चेनाब नदी में मिल रही है, और कहाँ कहाँ से होकर आ रही है, श्रीनगर और वुलर से होकर आ रही है। श्रीनगर शहर है, वुलर एक झील है, ठीक है, वहाँ से क्रॉस करते हुए आपका किस में मिल जा रही है, चेनाब नदी में मिल जा रही है, ठीक है। चेनाब नदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है, ऊपर दिख रहा होगा आपको किशन गंगा लिखना है इसमें, कौन सी, किशन गंगा। नाम देख रहे हो, सारे के सारे, सारे के सारे हिंदू नाम है वहां पर। कितना लिख लिया आपने, ये सारा का सारा सिंधु नदी तंत्र था, ठीक है। अभी बाकी लोग जो भी लोग हैं, ठीक है, उन लोग का देख लेते हैं एक बार, सही है, आवाज आ रही है आपको, सिमरन आवाज आ रही है, पता नहीं उसका नहीं समझ में आया सिमरन का क्या सिनेरियो है। विविता आवाज आ रही है, जो इतनी सारी कहानी बताई अभी 40 मिनट में उसमें से कुछ पकड़ में आई, अच्छा और उसे भी ले लेते हैं आवाज। प्रियंका जी आपको आवाज आ रही है, हाँ वो तो लग रहा है तुम्हारी आवाज से,
विपुल तुम्हें आवाज आ रही है? वो ये होता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, इस वजह से आप बाहर या अंदर हो जाओगे। जिसका नेटवर्क खराब होगा ना आप में से, आप अपने आप ही बाहर हो जाओगे या फिर दोबारा से रीएंटर करना पड़ेगा। अब देखो मेरे नेटवर्क की दिक्कत होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जहाँ बैठकर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर 30 Mbps की स्पीड है इस टाइम पर, तो यहाँ नेटवर्क खराब होना नामुमकिन है क्योंकि ये जियो फाइबर है। तो यहाँ तो स्पीड बहुत तेज है, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर श्योर, क्योंकि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। ठीक है, 500 MB ऐसे डाउनलोड होता है जैसे एक एक मिनट भी पूरा नहीं लेता, 500 MB डाउनलोड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड की दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो 90% आपके साइड से दिक्कत होगी। तो आप लोग अपनी ऐसी लोकेशन, कोई भी जगह देख लें अपने घर में जहाँ पर आपके नेटवर्क सही आते हैं, बिकॉज फ्यूचर में भी आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा। अलग चीज़ों में जहाँ पर भी जैसे भी आपको करना है सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। तो या तो अपने घर में कोई ऐसी जगह देख लें या फिर कोई ऐसा नेटवर्क देख लें जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके साइड पे आता हो। पैसे तो देने ही है, नेट सभी ने चलाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्यों जबरदस्ती में परेशान होना है ना। और घर का वो एरिया जहाँ पर नेटवर्क भी ठीक आते हो, है ना। आपकी सबकी आवाज़ आई, मुझे बस सिमरन की आवाज़ नहीं आई, शायद उसका नेट आपसे भी ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों से भी, है ना। तो चलिए बाकी लोग से सवाल कर लेते हैं, है ना, जिन जिनको आवाज़ आ रही है। अब देखो कल मैंने गंगा का रिवरिंग सिस्टम कराया था, तो मैं हल्का सा उससे ओवर ही ले लेता हूँ, जिससे पूछो बताना। मनु, गंगा की लंबाई कितनी है टोटल? ओके ओके, गंगा को गंगा कब कहा जाता है? अगर सिमरन को आवाज़ आ रही तो आंसर दे लो। सही है, माप दे लो उसका जवाब। उससे पहले क्या कहा जाता है गंगा को? उससे पहले गंगा नदी को क्या कहा जाता है जी? भागीरथी है वो। उससे पहले ध्यान रखिएगा, गंगा नदी अलकनंदा से मिलने से पहले भागीरथी के नाम से जान जाती है, क्योंकि भागीरथ ने पूजा की थी और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाने के लिए पूजा करके गंगा नदी को धरती पर उतारा था, तो इसलिए उनका नाम भागीरथी रखा जाता है। तो जो एक्चुअल में गंगा जी माने मानोगे वो भागीरथी को मानना, ठीक है। अलकनंदा उसकी सहायक नदी है, एक तरीके से ये समझ के चलना, जबकि अलकनंदा का वो ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना तो अलकनंदा में वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एंशंट इम्पोर्टेंस एंड द मिथिकल स्टोरीज, दैट वाई आपका भागीरथी आप वो करके चलना, थोड़ा सा ना माइंड में लेके चलना, ठीक है। ओके, जो मेरा दूसरा सवाल है वो थोड़ा टफ है, पर ट्राई करना, अगर कोई आंसर कर पाए तुम में से। गंगा नदी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है? गंगा नदी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है? कोई और कुछ भी बताना चाहे? अच्छा चलो उत्तर प्रदेश में बताओ, छोड़ो सारी बात। वाइट बोर्ड ले लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए इस कुछ बेसिक फैक्ट्स को अपने में एड ऑन करते चलना जो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आप इनिशियली मान रहे हो गंगा नदी को, तो 310 किलोमीटर है ये टोटल उत्तराखंड उत्तराखंड में। अगर आप भागीरथी वगैरह से लेके मान के चल रहे हो, दिमाग में माइंड सेट करके चल रहे हो ना, तो लगभग इतना बैठेगा, ठीक है। 310 के आसपास है उत्तराखंड में, जो डाटा आपको मिलेगा 1140। इसमें भी अलग अलग भेद हैं, उसको मत अभी कंसिडर करना, उसको छोड़ दो अभी, आप 310 लेके चलना। ये जो मैं बता रहा हूँ 1140, ये यूपी का है, बिहार का लगभग इतना है, पश्चिम बंगाल का लगभग इतना है। तो अगर आपसे लगाने के लिए आ जाना, राज्यों में सबसे ज़्यादा किस में
तो आंसर पहले पे कौन सा होगा? यूपी, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। ठीक है ठीक है, ओके। मुझे जवाब चाहिए विपुल से। विपुल, जो भिलांगना है, जो भिलांगना है ये भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, किस जगह पर? अब कोई भी जवाब दे लो भिलांगना के बारे में। गणेश प्रयाग, ओके। टिहरी का जो इलाका है उसी के आसपास ले लो, अगर मोटा मोटा लेना है तो तब भी चल जाएगा, है ना? मोटा मोटा भी याद रख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत डेप्थ में मुझे आंसर दे दो, तुम लोग एकदम खतरनाक वाला, है ना? तो रिवर इन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ पर मिल रही है, किस किस से मिल रही है। ओके, अलकनंदा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, इनिशियल पॉइंट क्या है अलकनंदा रिवर का? संतोपर ग्लेशियर हो गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी रिवर मिलती है? मंदाकिनी मिलती है, ओके। जब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में एंटर कर रही होती है तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है फरक्का, जहां पश्चिम बंगाल में एंटर करती है ना ये, तो उस जगह का नाम है फरक्का बोल, ठीक है, फरक्का बोलते हैं उसको, आप याद रखना, जब ये एंटर करती है ना पश्चिम बंगाल में तो उसको बोलते हैं फरक्का, बस इतना याद रख लेना, ज्यादा नहीं इसमें कुछ सोचना है, ठीक है। अब देखो वहां पहुंची, थोड़ी देर बाद आगे जाके आपका मेघना रिवर सिस्टम में मिल जाएगी, तो वहां मेघना बोल देंगे पद्मा और जमुना को मिलने के बाद, और वहां पर आपका सुंदरबन डेल्टा बन जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का जो नाम है आपको पता है, मैंने आपको एनवायरमेंट पढ़ाया सुंदरबन डेल्टा को, सुंदरबन नाम कहाँ से आया उसका, याद है ना? जब इतनी बुरी तरीके से एनवायरमेंट पढ़ाया था शाम को, कई दिन लगा दिए, महीनों लगा दिए, सुंदरी नामक पेड़ भूल गए क्या? सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं ना, उनके कारण ही तो नाम है उसका सुंदरबन, ठीक है। सुंदरी नाम के पेड़ की वजह से सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, ठीक है, बहुत बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी बहुत कमाल की है, इसलिए ये नेशनल पार्क बन गया था। कब? 1984 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया था सुंदरबन को भारत में, ठीक है इतना। अब एक बात, ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये इंडिया और आपका बांग्लादेश दोनों साइड पर पड़ता है भाई, ठीक है, इंडिया में भी कुछ हिस्सा है, कुछ बांग्लादेश में भी हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश के पास है, ठीक है। कितना हिस्सा बांग्लादेश के पास है? 2/3 लगभग हिस्सा बांग्लादेश के पास है इस डेल्टा का, 1/3 हिस्सा भारत के पास है इस डेल्टा का। ये वाली बात कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ये बारीक पॉइंट है, अगर कभी आ गया ना भाई साहब 90-90% बच्चा साफ है इसमें, पता ही नहीं चलेगा उसे, बता ही नहीं पाएगा ये वाली चीज। ठीक है, और जो इससे पहले मैंने फिगर आपको शो करा था ना, वो आप देख लेना, मैं दोबारा से डाल दूंगा, जैसे कल योगिता ने मांगा था, तो मैंने इसी एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे ना तो डाउनलोड के सेक्शन में, फोटो सेक्शन में उन्होंने डाला हुआ है, वो जो उसने कल मांगा था मेरे से फोटो चाहिए मुझे इंडिया का जो रिवर सिस्टम का फोटो है, वो मैंने वहां पर आपका डाल रखा था, ठीक है, आप देख लेना जाके चाहे तो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? क्या बात है, योगिता बिल्कुल सही जवाब दीजिए तुमने ना। अच्छा, चोराबाड़ी ताल नामक न, जो चोराबाड़ी झील ले लो, है ना, वहां से निकल गई, ओके। अब जो मंदाकिनी है उसमें सोनप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? क्या बात है, इसी ने पढ़ाई कर रखी लग रहा अकेले, बाकी सबका मामला ढीला है, ओके सही बात है।
जानकारी बिल्कुल आपकी पुख्ता है, इसमें कोई एरर नहीं है, है ना? गुड, अच्छी बात है। देखो हरिद्वार में जब ये एंटर करती है ना प्लेन में, तो वहाँ से आपका ऊपरी गंग नहर निकलती है। बिजनौर में जब एंट्री करती है तो वहाँ से मध्य गंगा नहर निकलती है। नरोड़ा में एंटर करती है तो निम्न गंगा नहर निकलती है, ठीक है। फिर फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, फिर प्रयागराज। प्रयागराज में जब ये पहुंचती है तो वहाँ से यमुनोत्री से होते हुए आपका गौतम बुद्ध नगर से होते हुए यमुना नदी चंबल सिंध बेतवा केन को लेके प्रयागराज में इससे मिल जाती है। फिर मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी, वाराणसी के बाद आती है गोमती, इसमें एंटर करते हुए, ठीक है। फिर गाजीपुर, गाजीपुर के बाद छपरा, छपरा में इसमें ऐड करती है घाघरा, ठीक है। फिर पटना, पटना में सोन नदी मिलती है। हाजीपुर में गंडक, भागलपुर में कोसी, ठीक है। सोहन बाग, नहीं, साहिबगंज, पाकुर, ठीक है, झारखंड में आ गए हम, ठीक है। फिर फरक्का बैराज आ गया, तो फरक्का में आपका हुगली नदी अलग जा रही है जो कलकत्ता की साइड है आपका, फिर गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, वो सब, और पद्मा नदी इधर की तरफ, ब्रह्मपुत्र नदी इधर की तरफ, मेघना नदी मिलकर आपका सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो मैंने पूरा सिक्वेंस आपको बताया ना, कोशिश ये करना कि इस पूरे सिक्वेंस को धीरे धीरे कर कर अपने दिमाग में बिठा लेना। जो मैंने शहर बताया ना आपको, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, ये सब शहर आपने याद रख लेने, क्योंकि आपको याद होगा हमने एनवायरनमेंट में इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी नमामि गंगे परियोजना की, है ना? तो वो अभी हमें दोबारा भी पढ़नी है। मैं हल्का सा उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ नमामि गंगे का, आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री जी जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1 जुलाई 2016 को मंत्रिमंडल की बैठक थी सरकार की, तो वहां पर ये फ्लैगशिप योजना शुरू करी नमामि गंगे, ठीक है। नमामि गंगे ये बहुत बड़ी परियोजना है, छोटी मोटी नहीं है। कब शुरू हुई आपकी? 1 जुलाई 2016 को शुरू हुई नमामि गंगे, ठीक है। इस योजना का क्या वो था कि गंगा जी को संरक्षित करना है, ठीक है, और स्वच्छ उन्हें बनाने के लिए कदम उठाने हैं, ठीक है। आपका जो इस पर खर्चा जो आएगा वो लगभग 20,000 करोड़ का खर्चा इन्होंने एस्टिमेट करा था, ठीक है। भैया देखो लगातार 30 साल से चल रही हैं परियोजनाएं, लेकिन अभी तक ऐसा सच रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आप ग्राउंड पे आओगे ना और पानी को बनारस में ठा के देखोगे हाथ में, तो आप तर्पण नहीं कर पाओगे, इतना गंदा पानी है, ठीक है। पहले से ठीक है लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं है, ठीक है। तो नमामि गंगे क्या है, आपका जितनी भी पुरानी परियोजनाएं थी वो सारी यहाँ पर आप एक जगह मान लेना, ठीक है। ये परियोजना 100% केंद्र की है, इसमें किसी राज्य का कोई सिनेरियो नहीं है। तो 100% पैसा और ये पूरी परियोजना किसकी है, ये केंद्र की परियोजना है, ठीक है। आपका 1985 से जो भारत सरकार है वो चला रही थी गंगा एक्शन प्लान। क्या चला रही थी? गंगा एक्शन प्लान, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सोचो 1985 से लेकर उन्होंने इतने टाइम तक 4,000 करोड़ रुपए खर्च करे, और आप तब की बात कर रहे हो जब आप पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम से लेकर अब तक, मतलब कि जब तक ये यूज आई नहीं थी नमामि गंगे, तो सरकार ने कितना पैसा बर्बाद करा आप सोच सकते हो। और लोग कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ग्राउंड स्तर पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आपको याद होगा हरिद्वार के पास आपका जगदीतपुर की साइड जाके एक सफाई केंद्र बना था, वो आज तक आपको दिखाई नहीं दिया होगा, है ना। दूसरी परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा नमामि गंगे के बारे में ना हल्का सा पढ़ लेना और उसको अपने नोट्स में ऐड करना। ये तो मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी। नमामि गंगे के अलावा गंगा से जुड़ी हुई परियोजना और कौन सी है, एनीवन, किसी को कोई दूसरी याद हो? चलो दूसरी परियोजना है गंगा से जुड़ी हुई, गंगा वृक्षारोपण, गंगा वृक्षारोपण अभियान, ये दूसरी इंपॉर्टेंट परियोजना है गंगा से जुड़ी हुई, है ना। ये क्या है, ये आपका 2018 में शुरू हुई थी परियोजना, जुलाई में, ठीक है। 2018 में जुलाई में परियोजना शुरू हुई। इस परियोजना में आपका जो मध्य गंगा बेसिन के 5 प्रमुख राज्य हैं आपके,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आपका गंगा वृक्षारोपण योजना का अभियान शुरू करना था। इसका मेन जो उद्देश्य है वो गंगा नदी के संरक्षण में वनों के महत्व को आपका साथ में लेकर हितकारी और जागरूक करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपका पेड़ लगाएं, आसपास के एरिया को हरा भरा करें उसके नियर बाय, और उसके महत्व को समझाएं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात गंगा नदी के बारे में, गंगा और यमुना नदी के बारे में, ये तो गंगा वृक्षारोपण हो गई, इसको एक बार जरूर देखना जब भी आपको टाइम लगे हल्का सा, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंटर अपनी तरफ से ऐड कर लेना उसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, एक और काम हुआ था 2017 में आपका मार्च के आसपास, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, ये जो नैनीताल में है, उसका एक फैसला आया। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट, है ना, तो जो हमारा उत्तराखंड का नैनीताल वाला हाई कोर्ट है, तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि गंगा और यमुना नदी जो है ये दोनों क्या हैं, इन दोनों को लिविंग ह्यूमन बीइंग का यानी जीवित व्यक्ति कानून के तौर पर उन्होंने मान लिया। ऐसा क्यों करा उन्होंने, अगर आप इनके साथ कुछ भी करते हैं गलत, इनका अपमान करते हैं, इनमें गंदगी डालते हैं या कुछ किसी तरह का इनके साथ दुष्प्रचार या दुष्व्यवहार करते हैं, तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे जीवित व्यक्ति के साथ आपने कुछ गलत कर दिया और आपको कानूनी सजा हो सकती है, ठीक है। तो भारत में जो आपका जीवित व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को दे दिए। कब दे दिए, तो 2017 में दे दिए, ठीक है, दोनों रिवर्स को 2017 में जीवित व्यक्ति का अधिकार मिल गया, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और क्यों दिया था आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि इनके साथ कुछ गलत ना हो, गंदगी ना मचे, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। चलिए इसको हटा दें एक बार, आवाज आ रही है तुम लोग को, बाकी लोग को भी है, खाना पीना खा के बैठे हो ना, कभी थक जाओ तुम लोग, कभी थक थक आ जाओ। चलो एक नेक्स्ट बात समझते हैं, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, क्या जी, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, नेक्स्ट इसमें हमें ऐड करना है गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। अब ये क्या है गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, इसको समझते हैं। अब जिसकी क्लास छूटेगी भैया बाद में छाती पीटते रहना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कहाँ दोबारा करवा पाएंगे। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, ठीक है, अब ये क्या है आप लिख लेना, ठीक है, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, गौमुख से लेकर हरिद्वार तक, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी से लेकर कोलकाता तक, तीन इलाकों में इसको बांटेंगे, ठीक है। गंगा की सफाई सुनिश्चित होगी उसमें, ठीक है, उसके जो सहायक प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे पे बसे शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। पहले चरण में ये 10 शहरों को विकसित करेंगे, ठीक है। इसका जो नाम दिया है इन्होंने दिया है हाइब्रिड एनयूटी आधारित मॉडल, इस तरीके से नाम दे रखा था उसका, और उसमें सार्वजनिक या निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जाएगा उसको। और ये जो मिशन की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2016 में, ठीक है। अब मैं इनमें यहाँ पर एक बार आपको 10 शहर जो हैं वो आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से वो 10 शहर हैं, उसके हिसाब से सारा सिनेरियो कराया जा रहा है, फिर दोबारा वापस आएंगे इसके ऊपर, है ना। तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना में 10 शहर कौन कौन से हैं, एक शहर है आपका, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, एक शहर है आपका, सबसे पहले आप ऋषिकेश डाल लो वहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हो गया ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आपका इसमें आ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार के बाद इसमें आ जाएगा मथुरा, मथुरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ। अब ये मत कहना यार मथुरा तो उस पर पड़ता नहीं है सर, क्या कहते हैं, गंगा जी पे नहीं पड़ता है भाई, सहायक नदियों की बात हुई है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनके मुहाने पर जो शहर बसे हुए हैं उन्हें बांटेंगे,
भी हमें वो करना है, जैसे लखनऊ गोमती नदी पर है ना, ऋषिकेश हरिद्वार मथुरा कानपुर लखनऊ, फिर लखनऊ के बाद इलाहाबाद, फिर वाराणसी, इलाहाबाद को प्रयागराज लिख लेना ज़्यादा अच्छा है, प्रयाग प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, साहेबगंज हो गया, साहेबगंज और पटना और बैरकपुर, तो और लिख लेना पटना, और पटना के बाद बैरकपुर, बैरकपुर ठीक है। ये 10 शहर हो गए ठीक है, इनको 3 हिस्सों में तोड़ा है इन्होंने, ऊपरी गंगा क्षेत्र गोमुख से हरिद्वार तक, मध्य गंगा क्षेत्र हरिद्वार से वाराणसी तक, निम्न गंगा क्षेत्र वाराणसी से कोलकाता तक ठीक है। 10 शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ठीक है एक साथ विकसित करा जाएगा ठीक है, ताकि इन शहरों के द्वारा जो प्रदूषण गंगा में ऐड करा जाता है वो ना किया जा सके, ऐसे रास्ते ऐसे तरीके खुल जाएंगे ठीक है, क्योंकि आपका इसमें देश की कई बड़ी कंपनियां और उसके अलावा विदेशी कंपनियां भी ठीक है इस हाइब्रिडी जो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल है उसमें हिस्सा बनेंगी, और जो एजेंसी है इसको 20 वर्ष तक यहाँ पर आपका पैसा दिया जाएगा ठीक है, पहले चरण में 40% राशि दी जाएगी, बाद में आपका बची हुई धनराशि धीरे धीरे आपका आपका दी जाएगी। इसमें जो केंद्र और राज्य का आपका अंतर होगा हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल में वो 70-30 का होगा, 7:3 के हिसाब से चलेगा, कि 7 हिस्सा केंद्र इसमें खर्च करेगा, 3 हिस्सा इसमें राज्य खर्च करेगा। तो ये गंगा स्मार्ट सिटी की कहानी हो गई आपके सामने, समझ रहे हो, ये गंगा से जुड़े हुए हमने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई क्या, चलिए ठीक है, बस इतना ही करेंगे अभी, थैंक यू वेरी मच।